Assalamu alaikum. Today we will discuss about regulation of heat exchange. In this topic, we will discuss adaptations, certain adaptations that organisms adapt to certain environment. सबसे पहले हम adaptation को discuss करते हैं. Adaptation, change in body of an organism is called adaptation. कोई भी organisms अपने आप को adapt करे to certain environment is called adaptation. Adaptation is divided into three types. Structural adaptations, physiological adaptations, behavioral adaptations. सबसे पहले हम structural adaptations discuss करते हैं. Structural adaptations में हमारे sweat glands होते हैं, जो कि sweat produce करता है और evaporative cooling effect आता है. Pelage है covering of mammals. इसे हम blubber भी कहते हैं. Pelage और blubber ये दो तरह के fatty layers होते हैं, जो कि सख्त temperature में इन body temperature help करते हैं और regulate करते हैं temperature. Lungs modification for panting. Panting. What is panting? For example, dogs perspire by their tongue and thus causes evaporative cooling effect. This is called panting. जैसे कि dogs tongue अपना बाहर निकालते हैं और इसकी वजह से evaporative cooling होती है और परस्पायर करते हैं और इसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट आता है. फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस, इसमें एक्टिवेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स. जब सख्त गर्मी हो तो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन में ये होता है कि स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेट हो जाते हैं और तस एवेपोरेटिव कूलिंग इफेक्ट आता है. Plumage fluffing. Plumage fluffing क्या है? जैसे कि अगर सख्त मौसम हो तो अगर कोई बंदा अगर कोट का जिप जो होता है उसे खुला रखे तो उसका बॉडी टेम्परेचर ठंडा होता जाएगा और फिर आखिरकार वो फ्रीज होके डेथ कॉज कर देगा, वो मर जाएगा. तो जैसे कि बर्ड्स में पाया जाता है कि वो अपने जिस्म को फ्लफ करते हैं बाय एक्टिवेशन ऑफ मसल, जिसकी वजह से वो अपना बॉडी टेम्परेचर और हीट अपने अंदर जमा कर देते हैं और इसकी वजह से उनका बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता रहता है और सख्त विंटर सीजन में काम आता है. इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो. फ्लो, अब ये दो तरह का हो सकता है, वेजोडायलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन. वेजो कंस्ट्रिक्शन, रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो दो तरह के होते हैं, वैसोडाइलेशन और वैसोकंस्ट्रिक्शन. सख्त गर्मी के मौसम में जो हमारे अंदर खून होता है उनकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो स्किन की तरफ खुल दी जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं और स्किन की जो जिस्म के अंदर जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं ताकि जो ब्लड हो वो बाहर निकले, स्किन की तरफ आए और फिर ब्लड ठंडा हो. क्योंकि सख्त गर्मी के मौसम में जैसे कि आप किसी को भी देख लें कि अगर वो किसी धूप में खड़ा हो तो उसका जिस्म रेड हो जाता है, बहुत ही सुर्ख हो जाता है. इसका ये वजह होता है कि जो ब्लड होता है वो ब्लड स्किन की तरफ डायलेट करता है और बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, वो कंस्ट्रिक्ट होते हो जाते हैं ताकि वो टेम्परेचर ऑफ ब्लड डिक्रीज हो. और जैसे कि ठंड में पाया जाता है कि वेसो कंस्ट्रिक्शन टूवर्ड स्किन होती है और वेसो डायलेशन इनवर्ड बॉडी होती है. ब्लड वेसल्स स्किन की तरफ कंस्ट्रिक्ट करते हैं और ब्लड वेसल्स
टूवर्ड्स इनसाइड द बॉडी डायलेट करते हैं ताकि टेम्परेचर ऑफ ब्लड डिक्रीज ना हो और अल्टीमेटली डेथ कॉज ना करें। अब हम बिहेवियरल एडेप्टेशन डिस्कस करेंगे। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्लेस एडजस्टमेंट्स। प्लेस एडजस्टमेंट जैसे कि अगर सख्त गर्मी का मौसम है और आपको बहुत गर्मी लग रही है तो आपने सन से अपने सन की रेज जो हार्मफुल रेज हैं उनसे कैसे प्रोटेक्ट अपने आप को करना है। अगर आप कोई जगह दीवार देखें या ट्री देखें तो आप उसके नीचे छुप सकते हैं। जब सन नीचे आ जाए तो फिर आप फिर अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। इसके बाद पोस्चर एडजस्टमेंट। पोस्चर एडजस्टमेंट क्या है कि अगर आप सहरा में जा रहे हैं फॉर एग्जांपल और आसपास कोई दीवार कोई ट्री कुछ भी नहीं है कि आपको सन से बचा सके तो आप पोस्चर बिहेव कर सकते हैं। पोस्चर एडजस्टमेंट जैसे कि फॉर एग्जांपल एक सहरा है और कोई भी ऐसी दीवार या ट्री नहीं मौजूद कि आप उसके नीचे छुप सकें हार्मफुल रेज ऑफ सन से बचने के लिए, तो आप पोस्चर अडेप्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर धूप यहाँ से पड़ रही है तो मैं अपना जिस्म ऐसे छुपा कर पोस्चर एडजस्टमेंट अडेप्ट कर सकता हूँ सन रेज की जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं उनसे बचने के लिए और ज़िंदा रहने के लिए। सो ये है बिहेवियरल अडेप्टेशंस एंड दिस इज़ द टुडेज़ लेक्चर। आई होप यू गॉट इट। अल्लाह हाफिज़।